नमस्कार बच्चों, मैं कन्हैया यादव CBS क्लासेस फॉर सोशल साइंस में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के अंतर्गत हम लोग कक्षा 10 के सामाजिक विषय में भूगोल खंड के अंतर्गत चौथे लेसन में मोटे अनाज के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जो कि इस लेसन का ये चौथा वीडियो होगा। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में गेहूं और चावल की कृषि के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, इस वीडियो में हम लोग मोटे अनाज के बारे में जानेंगे। मोटा अनाज क्या है? देखिए, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का आदि को मोटे अनाज की श्रेणी में रखा जाता है। मोटे अनाज पोषक तत्वों की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। इनमें कैल्शियम, प्रोटीन, फाइबर आदि पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। मोटे अनाज की खेती भारत में कुल बोए गए मोटे अनाज की खेती भारत में कुल बोए गए क्षेत्रफल के लगभग 16.5% भाग पर मोटे अनाज की कृषि की जाती है, यानी कि ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का आदि की खेती लगभग 16.5% भाग पर की जाती है। आइए, मोटे अनाज के अंतर्गत जो फसलें आती हैं एक एक करके उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सर्वप्रथम है बाजरा। देखिए, मोटे अनाज के अंतर्गत बाजरा एक प्रमुख फसल है, जो कि चारे एवं खाद्यान्न दोनों के उद्देश्य से उगाया जाता है। बाजरे के कृषि के लिए बहुत अधिक जल की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि बाजरे की सहन शक्ति गर्मी से या उष्मा से काफ़ी अधिक है, इसलिए इसकी अधिकतर कृषि पश्चिम व पश्चिमोत्तर भारत में की जाती है। इसके अलावा इसकी कृषि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में की जाती है। भारत के कुल बोए गए क्षेत्रफल के 5.2% भूभाग पर बाजरे की कृषि की जाती है। बाजरे की कृषि मैक्सिमम मिलवा फसल के रूप में या मिश्रित फसल के रूप में की जाती है। इसके बाद है ज्वार। हो सकता है कि कुछ लोग ज्वार क्या होता है इस नाम से परिचित ना हो। देखिए, अपने यहाँ स्थानीय स्तर पर ज्वार को चरी के नाम से जाना जाता है। ज्वार भी मोटे अनाज के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण फसल है, जो खाद्यान्न एवं चारे दोनों के उद्देश्य से उगाया जाता है। इसकी कृषि के लिए बहुत अधिक उपजाऊ मृदा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसकी कृषि मुख्य रूप से राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में की जाती है। इसकी कृषि उत्तर भारत में खरीफ फसल के रूप में, यानी कि बरसात के दिनों में की जाती है, जबकि दक्षिण भारत में यह रबी फसलों के रूप में की जाती है।
इसकी कृषि भारत में कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग 5.3% भूभाग पर की जाती है। अब रागी क्या है? हो सकता है कि आप लोग इस नाम से परिचित ना हो। स्थानीय स्तर पर इसको किस नाम से जाना जाता है? सांवा। सांवा देखिए, पोषक तत्वों के दृष्टि से ये काफी महत्वपूर्ण फसल है। इसकी कृषि खाद्यान्न एवं चारे दोनों के उद्देश्य से की जाती है। इसकी कृषि भारत के कुल बोए गए क्षेत्रफल के 3.5% भूभाग पर की जाती है। इसकी कृषि मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में की जाती है। इसके अलावा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों में भी इसकी कृषि की जाती है। अब हम लोग मक्के के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मक्का भी एक प्रमुख फसल है जो कि भारत में कुल बोए गए क्षेत्रफल के 3.6% भाग पर इसकी कृषि की जाती है। यह खाद्यान्न एवं चारे दोनों के उद्देश्य से उगाया जाता है। इसकी कृषि के लिए बहुत उपजाऊ मृदा की आवश्यकता नहीं होती है। यह खरीफ ऋतु की फसल है। पूर्वोत्तर भारत को छोड़ करके इसकी कृषि संपूर्ण भारत में की जाती है। आज उन्नतशील बीजों के विकास व सिंचाई आदि सुविधाओं के विकास होने से मक्के का उत्पादन भारत में बृहत पैमाने पर होने लगा है या इसका उत्पादन बढ़ा है। इसकी कृषि मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि राज्यों में की जाती है। आज की वीडियो के अंतर्गत बस इतना ही। मिलते हैं कल की वीडियो में।